दूसरी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या। सारे पढ़ो एक बड़ी मोहब्बत नाल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या। ए सबसे गुंबद वाले वाले मंज़ूर दुआ करना, जब वक़्त नज़ा आए दीदार अता करना, और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुर्बत को ते नजाए दीदार अता करना। हम दो सलात के बाद मौजिज व मोहतरम सामईन अरबाब आले सुन्नत अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत, जिस तरह के आप सब के इलम में हैं, आप और मैं, हमारे गुजरांवाला की शान, गुजरांवाला का पहचान शेख उद्दलाइल मनाजरे आले सुन्नत किबला हजरत अलामा मौलाना कारी शाहद रसूल रिजवी साहब, आपके वालदे मोहतरम के साले सवाब के लिए इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किबला के दराजात बुलंद फरमाए और आप सब का आना अपनी बुलंद बारगालिया में कबूल मंजूर फरमाए। बस एक बात करके अपनी बात ख़त्म करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला के मुल्क पाकिस्तान के माया नाज खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज की जीनत हैं और थोड़े आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब का आना अपनी बुलंद बारगालिया में कबूल मंजूर फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वह बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, उसने सलूक करो, उनके साथ मोहब्बत करो। याद रखिएगा, एक होता है इंसाफ, एक होता है इंसाफ और एक होता है एहसान। एक होता है इंसाफ, एक होता है एहसान। इंसाफ ये है कि अगर कोई बंदा मुझसे कोई पैसे मांगता है, मतलब मेरे से कोई बंदा 1000 रुपया मांगता है, तो मेरे पास 1000 का एक ही नोट है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, इंसाफ ये है, 500 खुद रख लेता हूँ, 500 अगले को दे देता हूँ, ये है इंसाफ। तो अगर मैं चाहूँ दिल का सखी करके अपने आप को, तो मैं 1000 का 1000 ही उस बंदे को दे दूं, तो इसको कहते हैं एहसान। मैंने उस पर क्या किया, एहसान। फरमाया जब अपने वालदैन के साथ उसने सलूक करना है तो इंसाफ नहीं, बल्कि उनके साथ एहसान करना है, वो जो भी मांगे उनको अता फरमा देना है। और यकीन करें, ये माँ और बाप ऐसी अजीम नेमत हैं, जब बंदे अक्सर लोग इनकी कदर नहीं करते, जब ये दुनिया से चले जाते गए फिर लोग इनकी कदर करते हैं, फिर लोग इनको याद करते हैं, फिर इनकी यादों में रोते हैं। याद रखिएगा, माँ बाप का बेअदब हो, माँ बाप का गुस्ताख हो, माँ बाप का नाफरमान हो, अगर वो बैतुल्ला शरीफ काबे का तवाफ भी करेगा तो उसका तवाफ कबूल नहीं होगा, उसका तवाफ कबूल नहीं होगा। एक नौजवान बैतुल्ला का तवाफ कर रहा है, एक ही बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा, बैतुल्ला का तवाफ कर रहा है, तवाफ करते करते सदा देता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक, दफा हो जा, तेरा लब्बैक कहना हमारी बारगाह में कबूल नहीं, जा चला जा। हजरत मालिक बिन दिनार अल्लाह का वली है,
वो भी उस वक्त बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह के वलियों की अलहदा बात होती है, वो उनकी नजर होती है, उनकी नजर का कमाल होता है। आओ जरा तवज्जो दे नाल सुनदे रह जे मालक बिंदी नार ने वेखिया एक नौजवान है बैतुल्लाह दा तवाफ कर रहा है, तवाफ करदिया सदा दे रहा लबई अल्लाहुम्मा लबैक लबैक अल्लाहुम्मा लबैक दियां सदावां आ रहियां ने। अगों आवाज आंदी है ला लबैक जा चला जा, तेरा लबैक कहना साडी बारगाह दे अंदर कबूल कोई नहीं। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमांदे ने मैं बड़ा परेशान होया वा, मैं उस नौजवान दा बाजू फड़िया है, उन्हू कोल बिठाया है, कोल बिठा के पुछिया बेलिया दस केड़ा गुनाह कीता है, इन्नी पाक जगह ते आया है, उस काबे नूं कोल आया है, उस काबे दा तवाफ पिया करदा है, जिन्नू वेखण नाल अल्लाह पिछले गुनाहां नूं माफ कर देंदा है, जिन्नू वेखण नाल अल्लाह पिछले गुनाहां नूं माफ कर देंदा है। हज़रात तवज्जो दे नाल सुनदे रहिया जे, हज़रत मालिक बिन दिनार ने पुछिया दस बेलिया केड़ा गुनाह कीता है, अखां च आंसू आ गए ने, रो के कहिंदा मालिक बिन दिनार अज 40 साल गुजर गए ने, मैं बैतुल्लाह दा तवाफ करना वा, मैं कहना लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, अगो सदा आंदी है ला लबैक दफा हो जा। हज़रात तवज्जो कर दे जाया जे, हज़रत मालिक बिन दिनार ने पुछिया दस केड़ा गुनाह कीता है, अखां च आंसू आ गए ने, रो के कहना मालिक बिन दिनार रमजान दा महीना होवे, मैं नशे दी हालत अंदर सा, मैं अपने घर आया आके दस्तक दी, मां ने दरवाजा खोलिया, ऐ मालिक बिन दिनार मैं नशे दी हालत अंदर सा, जो मैं अंदर आया वा मैं अपनी मां नूं कहा मां मैनू भुख लगी है रोटी पका के दे, मेरी मां कहंदी है ऐ मेरे बेटे थोड़ी देर रह गई है अफतारी होएगी दोनों इकट्ठे खावांगे, लेकिन ऐ मालिक बिन दिनार मैं नशे दी हालत अंदर सा, मैं मां दे मुंह ते थप्पड़ मारे आए, मेरी मां ने मैनू बदुआ दिती है, ऐ तेरे पुत्रा चला जा, अज तो बाद मैं भी नाराज हाँ, मेरा रब भी नाराज है, रब दा रसूल भी नाराज है। ऐ मालिक बिन दिनार उस दिन तो लैके मैं जिदों भी काबे दा तवा पिया करना वा, मैं सदा दे नाल लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, अगो सदा आंदी है ला लबैक जा चला जा, तेरा लबैक कहना कबूल नहीं। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमांदे ने मां जिंदा ही के दुनिया तो चली गई आ, बोल के कहंदे मां जिंदा है। हज़रत मालिक बिन दिनार ने फरमाया है चला मां दे कोल चलने आ, हज़रात तवज्जो करदे जाया जे, चला मां दे कोल चलने आ। हज़रात हज़रत मालिक बिन दिनार ने इस नौजवान नूं नाल लिया है, जदों मां दे कोल गए ने, मां ने दरवाजा खोलिया है, मां कहन लगी है जा चला जा, तू मैनू थप्पड़ मारिया सी, मैं तेनू माफ कोई नहीं करना। हज़रत मालिक बिन दिनार ने उस नौजवान दे जिस्म तो चादर लाई है, जदों चादर लाई है ओ हाथ जिस हाथ दे नाल मां नूं थप्पड़ मारिया सी, इस नौजवान ने वह हाथ ला दिता है, जो मां ने कटिया होया हाथ वेखिया है, मां ते मां होंदी है, मां बोल के कहन लगी पुत्रा ए की कीता है, अपनी मां दे कदमी डिगया है, मां दे कदमी देख के कहन लगा अम्मा मैनू माफ कर दे, मैं नशे दी हालत अंदर सा, मैनू माफी दे दे, अज तो बाद तेरी नाफरमानी नहीं करांगा। हज़रा तवज्जो कर दे रहा है, अज तो बाद तेरी नाफरमानी नहीं करांगा। हज़रत मालिक बिन दिनार ने कहा अम्मा इनू माफ कर दे, अगर तू माफ ना कीता इनू रब ने भी माफ कोई नहीं करना। हज़रा तवज्जो कर दे रहा जे, आखिरी जुमले तवज्जो दे नाल सुन दे रहा जे, अपनिया मावां नूं राजी कर लो, अपने बाबे नूं राजी कर लो, रब्बे काबा दी कसम है कायनात अंदर हर शै दूजी वारी मिल जाती है, ना मां दूजी वारी मिलता है, ना बाप दूजी वारी मिलता है। हज़रात मां ने माफी दीती है, जदों मां ने माफी दीती है मालिक बिन दिनार ने बाजो पकड़िया, आपने फरमाया चला हुण चलने आ, जाके बैतुल्लाह दा तवाफ करने आ, हुण वेखने आ की आवाज आंदी है। जदों मां ने माफी दीती है मालिक बिन दिनार लैके टुरन लगे ने, हाथ पे गैब चो आवाज आई है ऐ मालिक बिन दिनार इनू कह दे हुण साडे घर आउण दी कोई लोड़ नहीं, घर रह के मां दी खिदमत ए करी जाए, असी मकबूल हज्जां दा सवाब देंगे।
असी मकबूल हजा का सवाब देंगे। ते मैं गली गली सदा दे रहा बाप ला तेरिया जुदाइया मैनू मारिया बाप ला तेरिया जुदाइया मैनू मारिया बाप ला तेरिया जुदाइया मैनू मारिया बाबला तेरिया जुदाई।